आजादी के बाद से आज तक कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल नहीं गया था, लेकिन केजरीवाल ने देश की पॉलिटिक्स ऐसी बदली कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर जेल जाने वाले पहले सीएम बन गए। बॉस ये बदलाव ही तो है, अब नीचे जाने वाला बदलाव है, लेकिन है तो क्या बदलाव लाए पॉलिटिक्स में? और कुर्सी से चिपकने का यह चस्का केजरीवाल को तब लगा जब उन पर ईडी ने भयंकर गंभीर आरोप लगा रखे हैं। केजरीवाल के खिलाफ ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं बॉस कि नैतिकता का चुन्नू सा हिस्सा भी अंदर होता ना तो कोई भी आदमी होता तो इस्तीफा दे। कोर्ट के अंदर ईडी उन्हें शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है, किंग पिन बता रही है। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल की आज पूरी फाइल ईडी ने कोर्ट में खोल दी। भाई जो अरविंद केजरीवाल और उनके लोग कल तक ईडी से पूछ रहे थे कि उन्हें किस हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह हैं, आरोपी हैं, बताओ जरा, उस केजरीवाल को ईडी ने आज कोर्ट में बता दिया कि बॉस गवाह और आरोपी तो छोड़िए, आप तो इस पूरे शराब घोटाले के कर्ता धर्ता यानी किंग पिन है, सूत्रधार है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टर माइंड है। ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने सीधे साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। ईडी ने कोर्ट में यह भी बड़ा दावा किया कि केजरीवाल ने शराब कारोबारियों से भी सीधे रिश्वत ली और रिश्वत का यह पैसा गोवा और पंजाब चुनाव के लिए मांगा गया। आप सोचिए ईडी यह हैरान करने वाला खुलासा उन अरविंद केजरीवाल पर कर रही है जो राजनीति बदलने आए थे, जो ईमानदारी की बड़ी बड़ी कस्में खाया करते थे। लोगों ने शीश महल देखा तो उनको पहला झटका लगा था, अब लोग ये सब बातें सुन रहे हैं तो उनको और झटका लग रहा है। कुछ लोग कहते नहीं झटका नहीं लगता, अब तो पता था यही सब है। ईडी उनके लिए कह रही है कि भाई ये तो खुद रिश्वत मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल के। ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया कि केजरीवाल ने ही शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार की साजिश रची। शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका है, ईडी दावा कर रही है। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि केजरीवाल ने जो रिश्वत साउथ ग्रुप से मांगी उसके बदले में पॉलिसी में चेंज करवाया। और सुनिए, ईडी ने कोर्ट में यह भी खुलासा किया कि केजरीवाल के कहने पर विजय नायर ने रिश्वत के पैसे इकट्ठा किए और जो नहीं माना उसे धमकाया भी गया। यानी अगर ईडी के आरोपों को सच माने तो शराब नीति की आड़ में केजरीवाल वसूली कर रहे थे। यह बहुत बड़ा खुलासा आज ईडी ने कोर्ट में किया। ईडी ने कोर्ट में और क्या क्या कहा है उसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से निकलते हुए आज पहली बार केजरीवाल बोले तो क्या बोले। अब इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। अब इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के। अरविंद केजरीवाल का चेहरा आज भी उतरा हुआ था, किसी तरह हिम्मत जुटाकर बस इतना कह पाए कि देश के लिए समर्पित हूं। देख लिया बॉस, देश ने समर्पित। लेकिन आज इनकी पार्टी के लोगों ने क्या किया है और ईडी ने आज कोर्ट में सबूत के तौर पर और क्या क्या कहा है आपको बताऊंगा। उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं। बड़ी खबर यह आ रही है कि आम आदमी पार्टी को भी अब ईडी आरोपी बनाने जा रही है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। यानी केजरीवाल और उनके लोग तो जेल गई, आम आदमी पार्टी को भी ईडी आरोपी बनाने जा रही है। पार्टी के कर्ता धर्ता चूंकि केजरीवाल हैं इसलिए उनकी मुश्किल भी बढ़ेगी। ईडी का दावा यह भी है कि गोवा के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ने बयान दर्ज करवा दिए हैं और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स का बयान है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कैश में पैसा दिया गया था। जो कहा जा रहा है ना कि गोवा चुनाव में पैसा लगाया गया ये शराब घोटाले का, तो ईडी दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने गवाही दी है कि उनको कैश में पैसा मिला चुनाव प्रचार के लिए। कोर्ट में ईडी ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल पार्टी नहीं एक कंपनी चला रहे हैं, यानी केजरीवाल बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं। इतने गंभीर आरोपों के बाद भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए ऐसा माहौल बना रही है। ईडी ने और क्या कहा, कोर्ट में क्या हुआ वो सुनने से पहले जरा यह भी देखिए, जितना बताया उसके बाद ही आपको इन तस्वीरों पर माथा पीट लेने का मन करेगा। केजरीवाल को किंग पिन बताया जा रहा है, उनकी रिमांड ईडी को सौंपी जा रही है और इनके लोग माहौल ऐसा बना रहे हैं जैसे शराब घोटाले में कुछ हुआ ही नहीं। कल रात से केजरीवाल की पार्टी सिर के बल खड़ी हो गई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इमोशनल कार्ड खेलेंगे। आज भी आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, ये पैदल मार्च करते हुए सीएम हाउस पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट किया। दिल्ली कैंट में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता जमा हुए,
जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आईटीओ पर भी आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जमकर नारेबाजी की और सड़क पर जाम लगा दिया। आईटीओ चौराहा दिल्ली के सबसे व्यस्त रहने वाले चौराहों में से, ऐसे में दिल्ली के आम लोगों को भारी परेशानी हुई। प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने अग्रेसिव होने का माहौल भी बनाया। जैसे केजरीवाल की मंत्री आतिशी को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस वालों और आतिशी के बीच जमकर खींचतान होती रही। वहीं पुलिस के मना करने के बाद सौरभ भारद्वाज भी नहीं माने, कार्यकर्ताओं के साथ आईटीओ पहुंचे और नारेबाजी करने लगे, सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। सुनिए हिरासत में लिए जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है, जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। हालांकि जिस तरह की उम्मीद केजरीवाल के लोगों को थी वो हो नहीं पाया। केजरीवाल के लोग दावा कर रहे थे कि केजरीवाल अरेस्ट हुए तो पूरी दिल्ली सड़क पर आ जाएगी, लेकिन बॉस ऐसा कुछ नहीं हुआ, दिल्ली अपना काम करती रही। दिल्ली के अलावा दूसरी जगहों पर भी गिनती के लोग ही सड़क पर उतरे। जम्मू, पटना, भुवनेश्वर से लेकर गोवा तक आम आदमी पार्टी के कुछ ही कार्यकर्ता सड़क पर दिखे। अब भाई नेशनल लेवल की पार्टी है तो ऐसा 150 लोग तो आ ही जाएंगे, लेकिन भाई केजरीवाल अरेस्ट हो गए अब तो पूरा देश जैसे सड़क पर आ जाएगा, कोई वैसा माहौल नहीं था, सन्नाटा था। माहौल बनाने के लिए नारेबाजी की गई, लेकिन जैसे ही हिरासत में लिए गए सब ठंडा पड़ गया। आम आदमी पार्टी जिस जन आंदोलन की बात कर रही थी उसकी हवा निकल गई, फोटो खिंचाए घर गए। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में मोहाली और चंडीगढ़ में जबरदस्त माहौल बनाया गया। सड़कों पर पार्टी के कार्यकर्ता उतरे, मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पहले से ही सील कर रखा था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वहीं जयपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस के सामने जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को भगा दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने सीएम हाउस के बाहर लगी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। मतलब कुल मिला के छिटपुट हर जगह किए लेकिन कोई बहुत धमाकेदार प्रदर्शन नहीं दिखा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर भी आ रही है। आम आदमी पार्टी ने अब ऐलान किया है कि 25 मार्च को वो होली नहीं मनाएगी। आम आदमी पार्टी 25 मार्च को घर घर संपर्क करेगी। आम आदमी पार्टी 26 मार्च को पीएम हाउस का घेराव करेगी। आम आदमी पार्टी इस पर आप सोचिए, अब ये लोग होली में भी, अरे भाई आपका नेता जेल में गया है, दूसरे को तो होली मनाने दीजिए, कह रहे हम घर घर जाएंगे। अरे होली के बाद चले जाइए, उसमें क्या है, लेकिन ये अपनी सियासत होली में भी जारी रखेंगे। एक बार गोपाल राय को सुनिए फिर आगे की बात बताता हूं। 26 तारीख को पूरे दिल्ली के लोग इस तानाशाही के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पीएम हाउस पहुंचेंगे। 26 तारीख को इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए 26 तारीख को पीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। 26 तारीख को क्यों कीजिएगा भाई, पहले कर लीजिए बाद में कर लीजिए, और कोर्ट ने तो भेज ही दिया रिमांड में, अब करके क्या होगा। हालांकि बीजेपी ने भी कह दिया कि जब आज ही आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर ज्यादा नहीं दिखे तो दो चार दिन बाद कौन आएगा। सुनिए मनोज तिवारी को। अरे जब आज ही कोई नहीं आया तो दो चार दिन बाद कौन आने वाला है। ये इनको जो अपने तो इस समय इनको सिर्फ मीडिया ही तवज्जो दे रही है, वरना दिल्ली की जनता तो चर्चा भी नहीं कर रही है। मैं सुबह से 12 प्रोग्राम किया हूँ, एक प्रोग्राम में कोई नहीं पूछा, अरे भाई साहब वो गिरफ्तार हो गया, क्या हो गया, कोई नहीं पूछने वाला है, सब कोई खुश है। मनोज तिवारी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग खुश हैं कि केजरीवाल जेल गए। हालांकि कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल की रिमांड लेने के लिए जो बताया है वो चौंकाने वाली डिटेल भी आपको सुननी चाहिए। जैसे ईडी की तरफ से पेश वकील ने बताया कि शराब घोटाले में न केवल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई बल्कि रिश्वत से जो पैसा कमाया गया वो 600 करोड़ से ज्यादा है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि जो रिश्वत का पैसा घोटाले में मिला उसे गोवा चुनाव में लगाया गया। ईडी ने यह भी खुलासा किया कि गोवा में उम्मीदवारों ने खुद माना
कि उन्हें कैश में पार्टी की तरफ से पैसे दिए गए और ये पैसा शराब नीति में मिले रिश्वत का पैसा। ईडी ने यह भी खुलासा किया कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिन कंपनियों से काम कराया उन्हें ज्यादातर पैसा कैश में पेमेंट के तौर पर दिया। केजरीवाल को लेकर दाखिल रिमांड कॉपी में ईडी ने बार बार एक नाम का जिक्र किया और यह नाम है विजय नायर। विजय नायर वो व्यक्ति है जो आम आदमी पार्टी कम्युनिकेशन इंचार्ज है और शराब घोटाले में आरोपी है। अरविंद केजरीवाल का बहुत करीबी बताया जाता है यह आदमी जो लाल घेरे में दिख रहा है। ईडी ने विजय नायर और केजरीवाल के कनेक्शन पर कोर्ट में बड़ा खुलासा किया। ईडी के मुताबिक विजय नायर केजरीवाल का राइट हैंड था, दाहिना हाथ, वही केजरीवाल के कहने पर रिश्वत का पैसा वसूल रहा था। ईडी ने बताया कि मनीष सिसोदिया ने ही विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए। विजय नायर केजरीवाल और के कविता के लिए काम कर रहा था, साउथ ग्रुप में मिडिल मैन की भूमिका में था। विजय नायर केजरीवाल के घर के बगल वाले घर में रहता था और यह घर दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉट हुआ था, लेकिन रहता यह था। एसजी ने बताया कि एक सरकारी गवाह है दिनेश अरोड़ा, उसने अपने बयान में खुलासा किया कि विजय नायर के कहने पर ही उसने 31 करोड़ रुपए की रिश्वत हवाला रूट के जरिए दी। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि कंपनी है, जो भी व्यक्ति इस कंपनी को चलाने के लिए जिम्मेदार है उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी ईडी ने इशारों में यह बता दिया कि वो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी और आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते अरविंद केजरीवाल और घिरने वाले। ईडी ने रिमांड कॉपी में यह भी बताया कि साउथ लॉबी ने कैसे आम आदमी पार्टी तक करोड़ों की रिश्वत पहुंचाई। इसके लिए ईडी ने शराब घोटाले में फंसे मगुंटा रेड्डी के बयान का हवाला दिया। मगुंटा रेड्डी पुराने शराब व्यापारी हैं और दिल्ली में शराब का व्यापार करना चाह रहे थे। इसके लिए मगुंटा रेड्डी ने के कविता से मुलाकात की। के कविता ने मगुंटा रेड्डी को भरोसा दिया कि वो उनका काम करवा देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने होंगे। ईडी के मुताबिक मगुंटा रेड्डी ने ईडी को दिए बयान में यह बताया कि के कविता ने मगुंटा रेड्डी को पहले 50 करोड़ रुपए अरेंज करने के लिए कहा। उन्होंने मगुंटा को यह भी बताया कि उनकी केजरीवाल से बात हो चुकी है। इसके बाद कुल 25 करोड़ रुपए कैश में मगुंटा रेड्डी ने ट्रांसफर किए। कोर्ट में ईडी ने जो भी खुलासे केजरीवाल को लेकर किए वो हवा में नहीं किए, बल्कि ईडी ने उन सबूतों का भी जिक्र किया जो ईडी के पास मौजूद है। पहला सबूत, उन आरोपियों और गवाहों के बयान जिन्होंने शराब नीति में केजरीवाल के सीधे शामिल होने की पुष्टि की। दूसरा सबूत, गोवा चुनाव से जुड़े वो चैट जो जिक्र ईडी ने रिमांड कॉपी में किया और वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिसमें शराब घोटाले का खुलासा होता है। तीसरा सबूत, आरोपियों और गवाहों ने जो बयान दिए उससे मेल खाते कॉल डिटेल रिकॉर्ड मौजूद है। हर तरह के सबूत और गवाह देने के बाद भी आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं इसलिए एक्शन हुआ। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, एक दिन ये लोग कहते हैं ईवीएम नरेंद्र मोदी ने हैक किया हुआ है उससे चुनाव जीतते हैं, तो जिसने ईवीएम हैक किया हुआ है वो केजरीवाल से कौन बात कर डरेंगे भाई। और केजरीवाल से डरने की बात अगर आपकी सही है तो फिर इसका मतलब ईवीएम हैक नहीं है। एक तय तो कर लो कि कब क्या बोलना है। अब केजरीवाल के नेता क्या क्या कह रहे हैं आपको बताऊंगा कि केजरीवाल क्या जेल से सरकार चला पाएंगे, नियम क्या कहता है, लेकिन पहले केजरीवाल के नेताओं को सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। अरविंद केजरीवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बन के उभर के आएंगे और लोगों को आज पता चल गया कि कैसे ये दमनकारी नीतियां जो इनकी बीजेपी की हैं कि लोकतंत्र में अगर हम नहीं जीते जो जीत गया उसको दबा लो, ये चलेगा। ये अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं भाई। इमरजेंसी तो तब लगी थी जब कोर्ट का फैसला आया था उस समय, तो आज जो कोर्ट का फैसला आया कम से कम कोर्ट पे विश्वास करके वो तो मान लो। अरविंद केजरीवाल के घर से ईडी को कई जरूरी दस्तावेज मिले, ये वो दस्तावेज हैं जिसके बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एक नया आरोप लग गया। ईडी को केजरीवाल के घर से कुछ ऐसे पेपर मिले हैं जिसमें ईडी के अधिकारियों के नाम लिखे हुए थे।
इन पेपर्स में ईडी के अधिकारियों के नाम, उनका पता, फैमिली डिटेल की जानकारी लिखी हुई थी। इसके अलावा दावा है कि इसमें ईडी के अधिकारियों के संपत्ति का ब्यौरा था और आरोप लग रहा है कि क्या केजरीवाल ईडी के अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे क्या? ये दस्तावेज केजरीवाल के घर में क्या कर रहे थे? दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के पक्ष को मजबूत करने के लिए वकीलों की फौज तक उतार दी गई बॉस। केजरीवाल के पक्ष में क्या क्या दलीलें रखी गई जिसके बावजूद उन्हें झटका लगा और उन्हें ईडी की रिमांड में भेज दिया गया, जरा वो भी सुनिए। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है, यह केजरीवाल के वकील कह रहे हैं। अरे बॉस, तो इस्तीफा तो न दिलाइए, आप इस्तीफा नहीं दे रहे, कुर्सी से चिपके हुए हैं, इसमें ईडी क्या करेगी? फिर उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पार्टी के चार नेता गिरफ्तार हो गए। तो बॉस, ये कोई नियम है कि एक घर से जो है वो एक ही आदमी क्रिकेट खेलने आएगा, दो भाई नहीं खेल सकते, जिस जिसने किया वो जेल जाएगा? केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये उनकी तरफ से कहा गया। जांच में शामिल अब तक 50% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, यानी मान रहे हैं कि 50% ने नाम लिया। 82% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी डीलिंग का जिक्र नहीं किया, मान रहे हैं 18% ने केजरीवाल के साथ डीलिंग की बात की है। केजरीवाल की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकारी गवाह बने लोगों की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर, लेकिन ये बात, ये दलीलें कोर्ट में नहीं चली और केजरीवाल को कह दिया गया कि जाइए ईडी के सवालों के जवाब दीजिए। पीएमएलए कोर्ट में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां तो अलग खेला हुआ, वहां इनके वकील ने ही अर्जी अचानक वापस ले ली। दरअसल कल रात को ही आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, रात में ही सुनवाई की मांग कर रही थी, लेकिन रात में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। आज सुबह 10:30 बजे केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा कि भाई आप तुरंत सुन लीजिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जस्टिस खन्ना के पास चले जाइए, वहां आपकी सुनवाई हो जाएगी। इसके बाद केजरीवाल के वकील जस्टिस खन्ना के पास गए। जस्टिस खन्ना ने बताया कि 3 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इसके बाद तुरंत ही केजरीवाल के वकील ने अपनी अपील वापस लेने की बात कही और कहा कि हम लोअर कोर्ट जा रहे हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इसके बाद केजरीवाल के वकील तुरंत राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए, जहां पर केजरीवाल की ईडी रिमांड पर सुनवाई होगी। कुल 3 वकील केजरीवाल की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील, उनको जब बेंच का निर्माण हो गया तब समझ में आया कि नहीं, पहले हमको राउज एवेन्यू कोर्ट जाना चाहिए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। इस कानून के तहत गिरफ्तारी में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि अब केजरीवाल लंबा अंदर गए, क्योंकि पीएमएलए के सेक्शन 45 के मुताबिक जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी होता है उसे केवल 2 शर्तों पर बेल मिल सकती है। पहली नजर में यह लगना चाहिए कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है। दूसरा, अगर बेल दे दिया जाता है तो आरोपी कोई अपराध नहीं करेगा। ये दोनों ही शर्तें इस वक्त केजरीवाल के खिलाफ जारी हैं, क्योंकि पहली नजर में ईडी ने कह दिया कि केजरीवाल पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, और क्योंकि केजरीवाल एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए बेल की दूसरी शर्त भी उनके खिलाफ जाती है। भाई यही कह के तो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, ये प्रभावशाली आदमी है, तो केजरीवाल को कैसे मिल जाएगी? इसलिए कई लोग दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल अब गए अंदर। अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में, लेकिन वो अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे। इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल डाली गई है, जिसमें मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद से कोर्ट हटा दे। आप सोचिए क्या नौबत आ गई है, ये खुद कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, कोर्ट से कहा जा रहा है कि इनको हटा दीजिए। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली के एलजी और प्रधान सचिव से यह पूछा जाना चाहिए कि किस अधिकार से केजरीवाल सीएम बने हुए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चला ले। बाप रे बाप, एकदम घिना दिए बॉस। अब ये जेल से सरकार चलाएंगे, बाकी कैदी देखेगा क्या बोलेगा कि जेल से सरकार चल रही, लेकिन क्या वो जेल से सरकार चला सकते हैं यह भी देखना होगा कि जेल का मैनुअल क्या कहता है। जेल मैनुअल के हिसाब से अपराधियों या आरोपियों को क्या क्या सुविधा मिलती है यह भी सुनिए। वकील और परिवार से मिलने की इजाजत तो मिलती है, वकालतनामे में सिग्नेचर करने की इजाजत होती है, धार्मिक गतिविधियां करने की इजाजत होती है। जेल मैनुअल के रूल नंबर 1349 में यह कहीं नहीं लिखा कि किसी आरोपी को लगातार फोन कॉल, मीटिंग और अपने काम से जुड़े दस्तावेज साइन करने के लिए इजाजत दी जाती है। तो ना फोन रिसीव कर पाइएगा, ना कैबिनेट की बैठक कर पाइएगा, ना रोज अधिकारियों से मिल पाइएगा, ना मीटिंग कर पाइएगा, ना साइन कर पाइएगा, खाली जेल में अपना मन में खुश रहिएगा कि हम ही सीएम हैं,
काम कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट्स का यह भी कहना है कि जेल से सरकार चलाने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। सीएम को जेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दी जा सकती है, जैसे फोन कॉल करना और डॉक्यूमेंट साइन करना, लेकिन यह भी रेगुलर तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए भी उन्हें कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। अगर उन्हें जेल में रहकर कैबिनेट की मीटिंग करनी है तो इसके लिए इजाजत कोर्ट से लेनी होगी। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि हर छोटे से छोटे काम के लिए केजरीवाल को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, फिर जेल प्रशासन उसकी चेकिंग करेगा, तब जाकर कोई काम हो पाएगा। तो ऐसे दिल्ली चलेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, सारा काम अटक जाएगा, दिल्ली की पब्लिक ऐसे ही हटा देगी। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे अगर ये सोच के बैठे हैं तो। इसमें जो प्रैक्टिकल इशू है उसके बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इससे भी बड़ा संकट केजरीवाल के ऊपर है। केजरीवाल अगर जेल से सरकार चलाते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उनकी दिल्ली की सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि अगर वो जेल से सरकार चलाएंगे तो दिल्ली सरकार पर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट का बड़ा आरोप लग सकता है। आसान भाषा में कहें तो राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने का आरोप लगेगा। यह दलील आर्टिकल 239 AB के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली में LG के पास पावर होती है कि वो राष्ट्रपति से राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे में अगर LG को लगता है कि दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा, तो वो राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो हो सकता है सरकार ही चली जाए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई, केजरीवाल ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बहुत बड़ी खबर, अभी तक केजरीवाल के लोग कह रहे थे कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, अब केजरीवाल ने कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। यानी इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जो के लोग जो कह रहे थे वो पहले से डिसाइडेड था। अरविंद केजरीवाल शायद पहले चर्चा कर चुके होंगे कि मैं जेल गया तो क्या होगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, उन्होंने खुद कह दिया है। यह इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए। अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं जो जेल से सरकार चलाएंगे। आप सोचिए क्या स्थिति बनेगी। और जो आदमी अन्ना आंदोलन के वक्त कहते थे कि इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, जो बैठता है वो गड़बड़ा जाता है, आज लोग वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। जो कहते थे कि ये कुर्सी जो है, हम कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, आज उनसे कुर्सी ऐसी नहीं छोड़ी जा रही कि कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे। अद्भुत काम हो गया बॉस। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसे ताजा मामला अगर आप देखिए, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का है लेटेस्ट मामला। जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उससे ठीक पहले वो राजभवन गए, इस्तीफा दिया, उसके बाद अरेस्ट हुए। मई 1997 में चारा घोटाले के मामले में सीबीआई ने लालू यादव पर एक्शन लिया, उस वक्त लालू यादव बिहार के सीएम थे। लेकिन जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लालू यादव का नाम था, लालू यादव को गिरफ्तारी का अंदेशा हो गया, तो उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया, लेकिन जेल नहीं गए यह कहकर कि मैं सीएम रहूंगा। इसी उदाहरण का हवाला देकर अब बीजेपी कह रही है कि बॉस अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दीजिए। एक बार सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा वो असल वजह जिसके डर से केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ रहे। मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए। वह देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, ये उनका असली किरदार है। और तीसरा गहरा प्रश्न यह है, वो उस शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं जो नीति दिल्ली सरकार ने 2 वर्ष पूर्व लागू की थी और जांच गठित होते ही वह नीति विथड्रॉ कर ली थी। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे, इसकी एक थ्योरी यह भी चल रही है कि वजह यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उन्हें पार्टी टूटने का डर है।
क्योंकि ऐसी सूरत में कि अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो किसी को तो सीएम बनाना पड़ेगा, उत्तराधिकारी चुनना होगा। अब इसमें दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी के तीन सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में। ऐसे में पुराने चेहरों में केजरीवाल के पास विकल्प कम है और किसी नए चेहरे को सीएम बनाएंगे तो पार्टी में बगावत हो सकती है। जैसे जब लालू यादव ने राबड़ी देवी को सीएम बनाया था तो पार्टी में फूट पड़ गई थी, इसी तरह हेमंत सोरेन को भी अपनी जगह किसी और को सीएम चुनने में पसीने छूट गए थे। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे, वो घबराए हुए हैं कि इस्तीफा दिया तो पता चला पार्टी ही चली गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की भी पहली प्रतिक्रिया आई। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर दिल्ली वालों को संबोधित करते हुए लिखा कि आपके तीन बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं, ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें बाहर रहें, उनका जीवन देश को समर्पित है, जनता जनार्दन है, सब जानती। जिस तरह से सुनीता केजरीवाल एक्टिव हुई हैं उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगर केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का स्टंट काम नहीं आया और सरकार पर खतरा बन गया तो एक विकल्प हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन केजरीवाल जो कर रहे हैं वो ये करेंगे किसी ने सोचा नहीं था जब वो पॉलिटिक्स में आए। पाठशाला में अब अगली क्लास केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के डबल गेम का चैप्टर भी देखिए। केजरीवाल पर आंसू बहाती कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ खेला कर दिया है क्या? कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को खुद एक्सपोज कर दिया, अब उसका चैप्टर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में वैसे तो विपक्ष के कई नेता और पार्टियां बोल रही, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी कांग्रेस को सुनकर होती, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से केजरीवाल का बचाव कर रही है, वही कांग्रेस केजरीवाल को लेकर पहले क्या कहती थी वो आज आपको सुनाऊंगा तो आपको शॉक लगेगा। अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन के अहम सहयोगी हैं आज की डेट, और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडी गठबंधन में सबसे पहले कांग्रेस ने विरोध की आवाज उठाई। कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोग बहुत दुखी हैं। शायद कांग्रेस यह भूल गए कि यह वही केजरीवाल है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की जमीन पर अपना सियासी महल खड़ा किया। कांग्रेस यह भी भूल गई कि जिस शराब घोटाले में केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं उसी घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। कांग्रेस के उन नेताओं के बयान सुनाऊंगा जो राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कैसे कैसे बयान दिए। कल जैसे ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम हो गई है, इंडिया इसका जवाब देगा। यानी यहां भी नरेंद्र मोदी को घेर लिए। तानाशाह आदमी होता है तो 9 समन भेजता है बॉस, पहले समन पर टांग देते। प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह से टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है, राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना ना प्रधानमंत्री को शोभा देता है ना उनकी सरकार को। शशि थरूर ने लिखा कि दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी की खबर से स्तब्ध हूं, कांग्रेस के बैंक खातों पर उसको आर्थिक अपंग बनाती रोक के बाद ऐसा होना यह साफ करता है कि भारतीय लोकतंत्र को नष्ट किए जाने का सुनियोजित प्रयास चल रहा है। वो अकाउंट फ्रीज करते हैं, वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं, इससे पता चलता है कि शहंशाह कितना डरा हुआ है, यह भी लिखा गया। यानी कांग्रेस चौतरफा नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गई यह दिखाते हुए कि वो केजरीवाल के साथ। यानी कांग्रेस नेता खुलकर केजरीवाल के समर्थन में दलीलें दे ना रहे हैं, गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को घेरना है। लेकिन यह वही कांग्रेस है जो शराब घोटाले पर केजरीवाल की जमकर क्लास लेती थी। आपको कांग्रेस नेता अजय माकन का पहले एक बयान सुनाता हूं। फरवरी 2023 का महीना था, अजय माकन ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि शराब नीति में घोटाला कैसे हुआ और कैसे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, कैसे कमीशन का 6% किकबैक आम आदमी पार्टी को दिया गया। आज नरेंद्र मोदी को जो कांग्रेस घेर रही है, तानाशाह बता रही है, उस कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन फरवरी 2023 में क्या कहते थे सुनिए,
फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत केजरीवाल जी पर कैसे गंभीर आरोप लगाती थी। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत, और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई, और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। अजय माकन ने तो सीधा आरोप लगाया कि नई शराब नीति से दिल्ली को फायदा हो या ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर फायदा हुआ। तो बॉस, आज किस बात पर आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तानाशाह हैं और झूठे अरेस्ट कर लिए केजरीवाल को? आज आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, और उसकी डिटेल भी आगे बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ हाईकोर्ट में, लेकिन आज आपका मूड किया तो केजरीवाल ठीक हो गए, मोदी खराब, और जब आपका मूड किया तो आपने कह दिया नहीं, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इसी तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने भी केजरीवाल पर शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। सुप्रिया श्रीनेत ने 21 अगस्त 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि जब कोविड में दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तब यही केजरीवाल शराब नीति बनाने में व्यस्त। सुनिए जरा मैडम को, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के किस नेता ने केजरीवाल के लिए कहा था कि नैतिकता मर गई है क्या जी? जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राही माम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है, उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए। ये बीजेपी के नेता नहीं है, ये कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि दिल्ली मर रही थी, केजरीवाल शराब नीति बनाने में व्यस्त थे, आज कह रहे हैं मोदी जी डिक्टेटर है। कांग्रेस की एक नेता है अलका लांबा, जो आम आदमी पार्टी में भी रह चुकी है। अगस्त 2022 में सुप्रिया श्रीनेत के साथ अलका लांबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी।